हेलो एवरीवन, वेलकम टू एग्जाम बी स्टूडेंट। माय नेम इज कैलाश तिवारी। बहुत स्वागत है आप सभी का एग्जाम बी के इस प्लेटफॉर्म में टू मेक योर प्रिपरेशन फॉर फेवर्स एंड फास्टर। सो दोस्तों, नाबार्ड का एग्जामिनेशन 1 सितंबर को होना है। आपकी धड़कनें जरूर बढ़ रही होंगी। ऐसा भी लग रहा होगा कि अभी तो कुछ पढ़ा ही नहीं, ऐसा भी लग रहा होगा अब जल्दी से एग्जाम हो जाए, निपटे ये सबको, कब तक पढ़ते बैठे। सो स्टूडेंट्स, ऐसे में एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज होती है एग्जामिनेशन में, वो आपको ध्यान रखनी है। एग्जामिनेशन में क्या होता है, आप अभी तक बहुत अच्छे से पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, एआरडी पढ़ रहे हैं, एसआई पढ़ रहे हैं, जीए पढ़ रहे हैं, बट एक चीज जो कंस्ट्रेंट है सबसे बड़ा, जो मैं आपको स्टार्टिंग से बता रहा हूँ उसके बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। वो क्या होने वाला है, सब्जेक्ट का क्या सीक्वेंस है और ये क्यों है, इसका क्या कंस्ट्रेंट है, क्या रीजन है, वो भी मैं आपको बताऊंगा। और साथ ही साथ अभी लास्ट टाइम पे कैसे रिवाइज करें इसको फोकस करेंगे। जब से सबसे बड़ा जो कंस्ट्रेंट है हमारे पास, कौन हम कह सकते हैं कि जो जिसकी वजह से एग्जामिनेशन में एक बड़ा इश्यू या चैलेंज आता है, वो है 120 मिनट्स, जिसमें ये 200 क्वेश्चंस करने होते हैं। ओके, सो 120 मिनट्स आपके पास और 200 क्वेश्चंस है, 1 मिनट भी क्वेश्चन के लिए नहीं है। अब ऐसे में आपको रीजनिंग पॉइंट्स के जटिल क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं और एआरडी एएसआई के वो क्वेश्चन भी सॉल्व करने हैं जिस पे आपको थोड़ा सोचना भी पड़ेगा। सो दोस्तों, ऐसे में काफी बार क्या होता है कि हमारा कोई एक सब्जेक्ट छूट जाता है। मैंने बहुत सारे स्टूडेंट्स का देखा है, उनकी बहुत अच्छे अच्छे मार्क्स एआरडी एएसआई जीए में आए, बट डिसीजन मेकिंग पूरा छूट गया। एक स्टूडेंट का कंप्यूटर नॉलेज पूरा छूट गया और फिर एग्जामिनेशन खत्म हो जाता, पता भी नहीं चलता। और आप खुद भी महसूस करेंगे, चाहे आपको कितना भी आता हो और कोई स्टूडेंट ऐसे ही एग्जामिनेशन देना जा रहा हो, कि यहाँ पे टाइम बहुत कम होता है, क्योंकि मॉक टेस्ट अटेम्प्ट करना काफी डिफरेंट होता है। हम बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ अटेम्प्ट करते हैं, एग्जामिनेशन बहुत डिफरेंट अप्रोच के साथ हम देते हैं, इसलिए ये सब होता है। ऐसे में ध्यान क्या रखना है, सबसे पहले तो सीक्वेंस क्या होना चाहिए और आप अपने टाइम को कैसे मैनेज करेंगे। सो सबसे इंपॉर्टेंट यहाँ पे होता है सीक्वेंस की, जब भी हम बात करते हैं तो आप सभी को पता है कि ये मेरिट सब्जेक्ट है, इनके बेसिस पे सिलेक्शन होगा, तो यहीं से शुरू करना है। अब आपको एआरडी बहुत अच्छा लगता है, एआरडी से शुरू कीजिए, ईएसआई अच्छा लगता है, ईएसआई से शुरू कीजिए। इन दोनों में कोई भी आप अपना एक सब्जेक्ट चूज कर लीजिए, एआरडी और ईएसआई, है ना। फिर उसके बाद क्या करना है, जीए, तो ये दोनों हो गए, उसके बाद जी ये आपको फिक्स कर रखना है, उसके बाद डिसीजन मेकिंग में आना है, उसके बाद कंप्यूटर अवेयरनेस में आना है, ये बिल्कुल ऐसे ही फॉलो कीजिए। फिर उसके बाद इंग्लिश को सेलेक्ट कर लीजिए, फिर उसका सेलेक्ट होता है, उसके बाद इंग्लिश करनी है, उसके बाद आ जाइए रीजनिंग या फिर क्वांट्स, जो आपको ज्यादा इजी लगती है पहले वो कीजिएगा, फिर जो थोड़ी सी डिफिकल्ट लगती है उसको बाद में कीजिएगा। दोनों में से दोनों को इस टाइप से करना है। अब ये इस वाला सीक्वेंस आपको लेके चलना है। अगर आप मान लीजिए आप ईआरडी पहले कर रहे हैं, तो फिर दूसरे नंबर पे ईएसआई होगा, फिर जीए होगा, फिर डिसीजन मेकिंग, कंप्यूटर, इंग्लिश, रीजनिंग और फिर क्वांट्स। ओके, ये सीक्वेंस आपका रहना चाहिए, तो ये ध्यान रखना है आपको, इस सीक्वेंस में चलना है। और अब एक और चीज क्या होती है, हमारे पास 120 मिनट्स है, 120 मिनट्स में हमारे पास 8 सब्जेक्ट्स हैं, तो आपको इसको क्या करना है, इतना तो जरूर फिक्स कर लीजिए कि 1 आवर से ज्यादा आप अपने इन सब्जेक्ट्स में नहीं देंगे, एआरडी, ईएसआई, जीए और डिसीजन मेकिंग। इतना तो आप सोचिए कि इतना आपको करना है। क्यों मैं ऐसा कह रहा हूँ, क्योंकि देखो क्या होता है, जब आप पहली बार करते हैं तो आप बहुत सारे आंसर्स को मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं, मार्क फॉर रिव्यू कर देते हैं। कई बच्चे तो उसमें आंसर ऑप्ट करते हैं फिर रिव्यू करते हैं, बट कई बच्चे खाली रिव्यू के लिए रख लेते हैं, आंसर ऑप्ट नहीं करते, और फिर दिक्कत ये होती है कि बाद में आपको उनको रिविजिट करने का टाइम नहीं मिलता है। तो अगेन आपको देखना, अगर आपकी ऐसी हैबिट है तो फिर तो आपको इसको 1 घंटे में आपको आगे बढ़ना है, सो देट कि आप फिर बचे हुए 40 मिनट्स में ये करें और 20 मिनट्स में फिर उसको रिवाइज कर लें। तो ये आपको थोड़ा सा ऐसे देखते हुए करना है, अपने टाइम को डिवाइड करना। देखो बहुत सब्जेक्ट वाइज ना टाइम डिवाइड नहीं हो सकता। मैं वो कहूँ कि 120 मिनट्स में 20 मिनट्स एआरडी, 20 मिनट्स ईएसआई, 10 मिनट्स जीए, ऐसे तो होता नहीं। आपको पता कि इतना कट टू कट चलता नहीं जब हमारे पास ओपन एंडेड टाइम होता है, तो या तो सेक्शन टाइमिंग उसमें होती तो वो ऑटोमेटिक होती तो ऑटोमेटिक फिक्स हो जाता, बट खुद से ऑटोमेटिक करना बहुत मुश्किल होता है, क्योंकि वहां पे 40 क्वेश्चंस को ना बहुत डिफरेंट तरीके से पढ़ते हैं, बार बार पढ़ते हैं, ऑप्शंस बार बार सोचते हैं, तो उसमें टाइम जाता है, इसलिए मैं आपको ये बता रहा हूँ। तो आपको ये इस टाइप से अपना टाइम डिवाइड करना है, या आपको लगता है कोई और डिफरेंट अप्रोच है वो आप कर लीजिए, बट ये सारी चीजें आप एक बार खुद से रिहर्सल करके देख सकते हैं, कैसे मॉक टेस्ट देके। तो मॉक टेस्ट जरूर दीजिए, मॉक टेस्ट आपको हमारी वेबसाइट पे फ्री मिल जाएंगे, उसके साथ साथ प्रीवियस ईयर पेपर मिल जाएंगे। मॉक टेस्ट हमारे कोर्स में है, 15 मॉक टेस्ट है फुल लेंथ, उसके अलावा तो बहुत सारे टेस्ट है, ये आप दे सकते हैं। आप इनको मॉक टेस्ट को दीजिए, हमारा जो क्विक रिविजन कोर्स है उसमें भी हमने मॉक टेस्ट सारे दिए हुए हैं, आप मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कर सकते हैं। मॉक टेस्ट अटेम्प्ट कीजिए, उससे आपको काफी सारी चीजें पता चल जाती है। तो ये आपको करना है एग्जामिनेशन में। और लास्ट टाइम पे दोस्तों रिवीजन बहुत इंपॉर्टेंट होता है, और मैं एक चीज कहता हूँ कि यूट्यूब से रिवीजन नहीं हो पाता है। देखो यूट्यूब पे मैं जस्ट अगर आपको बताऊं, आप ये मेरी सारी वीडियोस भी देखने बैठेंगे यहाँ पे, सभी मतलब लगभग 1 आवर के, 45 मिनट से ऊपर है, 30 मिनट से ऊपर है। अभी देखिए कितना सारा टाइम इसमें जाता है, और जरूरी नहीं है, देखो जो क्वेश्चन मैं वहां पे डिस्कस कर रहा हूँ वो उस समय आपको लगेगा कि आपको समझ आ रहा है, बट वहां पे क्वेश्चन चेंज होगा फिर आप नहीं कर पाएंगे। इसलिए मैं क्या कहता हूँ, ये जितने भी मैराथन वगैरह हैं
उनके आप पीडीएफ्स ले लीजिए, लास्ट टाइम पे पीडीएफ्स को देख लीजिए, आपको लगता है कि नहीं समझना ही है, सुन के ही होगा, तो आप उसको 2x में भी देख सकते हैं। ये सारे पीडीएफ्स इनके जितने भी हमने सेशंस किए हैं इनके पीडीएफ्स, इनमें 1500 प्लस क्वेश्चन, 1500 भी क्यों, 2000 प्लस क्वेश्चन हो चुके हैं ये, 2000 प्लस क्वेश्चन से ये सारे पीडीएफ्स आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे दे देंगे। हमारे टेलीग्राम चैनल को आप ज्वाइन कर सकते हैं, उसके नीचे भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक रहता है, आप वहां से भी ज्वाइन ये इन पीडीएफ्स को डाउनलोड कर सकते हैं। तो ये आप कर लीजिए, लास्ट टाइम पे रिवाइज कीजिए, और मॉक टेस्ट जरूर देना है। मॉक टेस्ट नहीं देंगे तो ये नहीं पता चलेगा कि एग्जामिनेशन कैसा होगा। एग्जामिनेशन ठीक हो इसलिए मॉक टेस्ट है ना, मॉक होता है, रिहर्सल होती है, ये सारी चीजें इसीलिए होती है ताकि मेन में आपकी परफॉर्मेंस काफी अच्छी रहे। तो ये चीज ध्यान रखनी है और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करना है और एग्जामिनेशन भी देना है। आपके अपने नोट्स हैं तो बस फिर उनको रिवाइज कीजिए, फिर मत सोचिए कुछ भी, थिंक बिग एंड ट्रस्ट योरसेल्फ एंड मेक इट हैपन। डेफिनेटली सारी चीजें होती हैं, टेंशन नहीं लेनी है, सारी चीजें अच्छे से कीजिए, जरूर वाकई में सारी चीजें अच्छी होंगी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे, थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग दिस वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे अहेड।